बिल्कुल देखिए, इस वक्त सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कल आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि बीजेपी सत्ता जो बहुमत है उससे दूर इसलिए रही क्योंकि उसमें अहंकार आ गया है। अब देखिए, जैसे ही बयान ने तूल पकड़ा तो इंद्रेश कुमार ने अपने ही बयान पर सफाई दी है। उनका ये कहना है कि जो राम भक्त है वो सत्ता में वापस आ गए हैं। तीन दिन में दूसरी बार संघ की तरफ से सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की गई। जो बात नागपुर में मोहन भागवत ने दबी जुबान में कही उसे जयपुर में खुलकर इंद्रेश कुमार ने कह दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो इंद्रेश कुमार ने सफाई देने में देर नहीं की। राहुल गांधी ने ये कहा कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होंगे, मैं लिख कर देता हूँ। इसी प्रकार से केजरीवाल ने कहा कि मैं लिख कर देता हूँ इंडी अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। अब आप इसको क्या कहना पसंद करेंगे वो आपको लिबर्टी है। बीजेपी से नाराजगी की रिपोर्ट्स के बीच आरएसएस खेमे से एक और बड़ी खबर आई जिसमें आरएसएस ने सरकार और पीएम मोदी से नाराजगी से इनकार किया है। आरएसएस के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सरकार या प्रधानमंत्री को लेकर कुछ नहीं कहा गया। मणिपुर को लेकर पहले भी संघ की तरफ से बयान दिए जा चुके हैं। नीट एग्जाम में गड़बड़ी के आरोपों पर विपक्ष और छात्र दोनों ही हमलावर हैं। छात्रों का कहना है कि गड़बड़ी हुई है, वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से इस पूरे मामले पर जानकारी भी मांगी। नीट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ी जा रही है। धांधली की शिकायत कर रहे छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। नीट परीक्षा में पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई जांच वाली मांग याचिका पर एनटीए से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। कोर्ट ने फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एक तरफ जहां छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है। इसमें दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी आज चुप, प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, आज एनटीए के वे अध्यक्ष बनाए गए, उन्हीं के अध्यक्षता के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जांच के आदेश भी वही दे रहे हैं। एनटीए भारत सरकार आश्वस्त करता है, कोई भी कितना बड़े उच्च व्यक्ति हो अगर कहीं किसी की जिम्मेवारी में गड़बड़ी करने की संज्ञान आएगी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कि बच्चे अच्छे क्यों कर गए, हमको तो खुशी होनी चाहिए, आप उसमें ही सवाल निशान लगा रहे हो। तो देखिए, दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच दिल्ली की जो जनता है वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है और इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड में बड़ा घोटाला हुआ है और आज जल संकट को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से मटका फोड़ प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली में जल संकट का मुद्दा गंभीर हो गया है। कई इलाकों में लोगों को एक बाल्टी पानी भी नसीब नहीं हो रहा। लोग टैंकर्स के आने का घंटों इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे दिल्ली की प्यास बढ़ रही है वैसे राजनीति गर्मा रही है। इस मामले में नया बोर्ड तब आ गया जब कांग्रेस ने दिल्ली जल बोर्ड पर बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड में 17,575 करोड़ का स्कैम हुआ। ये पूरा पैसा टेंडर माफिया के जेब में गया, घोटाले के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लेटर लिखकर स्कैम की जांच की मांग की है। जिस तरीके का रवैया इन दोनों सरकार कर रहा है उससे स्पष्ट मालूम होता है कि ये जो है नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। अगर ये 17,575 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी लॉस हुआ है तो वो किसकी जेब में गया है, निश्चित ही किसी की जेब में गया है। ये गंदी राजनीति भाजपा को बंद करनी चाहिए। दिल्ली के लोगों का हक दिल्ली को देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जनता के मुद्दों पर लगातार काम करती है। G7 समिट में शामिल होने के बाद अब प्रधानमंत्री इटली से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने इटली सरकार का धन्यवाद दिया, साथ ही आभार व्यक्त किया और ऐसे में वहां पर जो बाइडेन के साथ ही उनके कई राष्ट्र अध्यक्षों से टॉप लीडर से मुलाकात भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में 50वें G7 समिट में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर G7 के आउटरीच सेशन में शिरकत की। इटली में पीएम मोदी ने कई राष्ट्र अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। मोदी ने इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बायलेटरल मीटिंग की।
इसके साथ ही पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी द्विपक्षीय बातचीत की। इन बायलेटरल मीटिंग्स में पीएम मोदी ने रणनीतिक और कूटनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। इसके साथ ही G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल मंत्र देते हुए कहा, टेक्नोलॉजी इंसानों को चांद तक ले जाने का साहस देती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी जैसी चुनौतियां भी पैदा करती है। हमें मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि समाज के हर तबके तक इसका लाभ पहुंचे। इसे रचनात्मक बनाना होगा, न कि विनाशकारी। तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में 4 दिन में 4 अटैक हुए हैं और इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी अब एक्शन में आ गए हैं। सुरक्षा को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्हें पूरा अपडेट दिया गया कि किस तरीके से घाटी की सुरक्षा की जा रही है। कल भी अमित शाह की तरफ से इसे लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में सीरियल आतंकी हमलों को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के हालात पर बैठक की और पूरा अपडेट लिया। अमित शाह ने रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए अटैक के अलावा कठुआ और डोडा में हुए आतंकी अटैक की जानकारी दी। गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर के हालात और वहां आतंकी वारदातों के बाद उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया। कल गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना और CRPF के अधिकारियों समेत जम्मू कश्मीर के टॉप ऑफिसर शामिल होंगे। आपको बता दें कि आतंकियों ने बीते दिनों रियासी, कठुआ और डोडा के 4 इलाकों पर हमला किया, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और 1 CRPF जवान शहीद हो गया था, जबकि 7 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। हालांकि कठुआ में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली थी। एनकाउंटर में फोर्सेज ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मार गिराए थे। उनके पास से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर चूक कहां हुई, और इसी को लेकर कल महाराष्ट्र में मीटिंग हुई थी और आज पंजाब और हरियाणा में पदाधिकारियों की मीटिंग होने वाली है। चुनावी नतीजों में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक बैठकें हो रही हैं। कल लखनऊ के पार्टी दफ्तर में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के नेताओं और हारे उम्मीदवारों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने मंथन किया। अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में भी हार के कारणों की तलाश हो रही है। मुंबई में बीजेपी की समीक्षा बैठक में प्रदेश के तमाम बड़े नेता और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। ये तस्वीरें उसी बैठक की हैं। इस बार बीजेपी को महज 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। आज भी बीजेपी में बैठकों का दौर चलने वाला है। आज पंजाब और हरियाणा के स्कोर बोर्ड पर बीजेपी मंथन करेगी। पूरे महाराष्ट्र में घर घर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार घर छोड़ो अभियान करेगी और झूठा बताया गया उसको पर्दाफाश करेगी। और आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो महाराष्ट्र के लिए काम करने वाली है, वो काम को जनता तक पहुँचाने का हमने किया है। पीएम मोदी 18 जून को वाराणसी दौरे पर जाएंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पीएम का ये पहला काशी दौरा होगा और इसको लेकर तैयारियां वहां पर तेज हो गई हैं। देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और पीएम के दौरे की तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की, जिसकी 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। साथ ही योगी ने सबसे पहले पीएम के कार्यक्रम स्थल का जायजा वहां पर लिया और इसके बाद रोपवे के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। 2 तस्वीर 18 जून को पीएम मोदी वाराणसी आने वाले हैं और जीत के बाद ये उनका पहला काशी दौरा होगा। उनके आगमन की तैयारियों को देखते हुए, उसका जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर पहली, वो जहां पर कार्यक्रम होना है वहां पर पहुंचे, अधिकारियों से जानकारी हासिल की और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, रोपवे के निर्माण कार्य का भी जायजा लेते हुए निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, नीट के नतीजों को लेकर विरोध का दौर लगातार जारी है। कैंडिडेट से लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर है। छात्रों का ये कहना है कि पेपर लीक हुआ है, परीक्षा में धांधली हुई है और इसे लेकर वो पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर अब कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है और इन सब के बीच अब CBI जांच की मांग भी उठने लगी है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही जो कार्रवाई है वो की जाएगी। नीट
के नतीजे सवालों के घेरे में हैं, लेकिन अभी तक सवालों के जवाब मिलते नहीं दिख रहे हैं। लाखों अभ्यर्थी ऐसे ही हर रोज सड़कों पर उतर रहे हैं और परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां मिल रही है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। धांधली की शिकायत कर रहे कैंडिडेट पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। नीट परीक्षा में पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर एनटीए से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने एक बार फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक की सीबीआई जांच की याचिका को खारिज नहीं किया गया है। कोर्ट ने एनटीए की तरफ से दायर उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करने की अपील की गई। कोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले छात्रों से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई भी 8 जुलाई को होगी। सबसे पहले जो आपकी याचिका थी उस पर उसकी क्या मांग थी? उसमें मेरी एक तो डिमांड थी कैंसिलेशन ऑफ द रिजल्ट इमीडिएटली, और दूसरा इमीडिएट डेट दीजिए ड्यू शेड्यूल और दोबारा एग्जाम हो। तीसरा है जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसकी इंक्वायरी हो, एसआईटी फॉर्म की जाए। और लास्ट में एक मेरी प्रेयर है कि सुप्रीम कोर्ट शुड इशू गाइडलाइंस आने वाले टाइम के लिए 141 और 142 कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक तो पेपर लीक ना हो, ऐसे सरकना गिर गया। नीट के नतीजे 4 जून को जारी किए गए थे, यानी 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन विवाद खत्म होने की बजाय सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं में फंस कर रह गया है। कैंडिडेट्स उम्मीद से सरकार और कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। मांग नीट एग्जाम कैंसिल करने की है, लेकिन कोर्ट तय कर चुका है कि री एग्जाम होगा और वो भी सिर्फ 1563 बच्चों का। ये मान लिया जाए कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, 24 लाख बच्चों के साथ परीक्षा के नाम पर धोखा नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने भी अपने नौ जवाब के जरिए तमाम आरोपों को नकार दिया है, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। 5 मई को ही नीट परीक्षा के बाद बिहार की राजधानी पटना में पेपर लीक में एफआईआर लिखी गई थी। सॉल्वर गैंग के 12 सदस्य गिरफ्तार किए गए, अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस को दिए बयान में आरोपी कैंडिडेट ने बताया कि नीट एग्जाम से एक दिन पहले उसे पेपर मिल गया था। पटना में पेपर लीक मामले की जांच ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट भी कर रही है। एक दावा और भी है, पटना के एक स्कूल की छत पर नीट परीक्षा के जले हुए पेपर मिले थे। इन जले हुए पेपर की जांच के लिए ईओयू ने एनटीए से नीट पेपर की मूल कॉपी मांगी है, लेकिन अभी तक एनटीए ने वो मूल कॉपी मुहैया नहीं कराई। पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ अमर कुमार की रिपोर्ट और बयान में भी दावा किया गया है कि नीट का पेपर पटना में 4 मई की रात को ही लीक हो गया था। 20-25 कैंडिडेट्स के पास पेपर था, लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल में पर्चा आंसर सहित मिला था। अगले दिन परीक्षा में 100% वही पेपर आया। गुजरात के गोधरा से भी नीट धांधली मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से एक आरोपी एग्जाम के दौरान एक स्कूल में एनटीए का कोऑर्डिनेटर था। आरोपियों के पास से 30 स्टूडेंट की लिस्ट मिली थी। दावा है कि एग्जाम में नकल कराने के लिए आरोपियों ने 2,30,00,000 रुपए से ज्यादा की रकम चेक से लिए थे, कुछ ब्लैंक चेक भी लिए थे। ये जो 30 स्टूडेंट है उनका लिस्ट तुषार भट्ट के पास से मिला था। ये परशुराम रॉय की ऑफिस में से जो 16 स्टूडेंट का जो लिस्ट मिला था उसमें से कुछ के पेरेंट्स के चेक्स जिसकी टोटल जो रकम होती है 2,30,00,000 के आसपास, उतनी रकम के चेक्स अलग अलग मिले और 8 चेक ब्लैंक भी मिले हुए हैं वहाँ से। अभ्यर्थियों को सरकार से उम्मीदें हैं। कई छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, मुलाकात के बाद क्या कहा सुनिए। हमने कहा कि इस सर जो पेपर लीक हुआ है इस चीज़ पे एक्शन लीजिए और जो मतलब धांधलीबाजी है उस चीज़ पे भी एक्शन लीजिए, मतलब एनटीए से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा हाँ, उस गड़बड़ी को हम सब सॉल्व कराएंगे और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, उस चीज़ पे भी एक्शन होगा। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम पूरा मानने को तैयार हैं। ये भी कहा कि आपके जो मन में आए तो मैं स्वतः तो वादा करके आया हूँ, मैं आपके भरोसे पर जा रहा हूँ, क्योंकि आपने जो मुझे आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, तो आपके न्याय मिलने के शब्द पर मैं भरोसा करता हूँ। ये शिक्षा मंत्री पर भी नहीं करूँगा तो किस पर भरोसा करूँगा। एक तरफ मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है तो दूसरी तरफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं और सरकार फैसले के बजाय सिर्फ भरोसा दे रही है। एनटीए भारत सरकार आश्वस्त करता है, कोई भी कितना बड़े उच्च व्यक्ति हो, अगर कहीं किसी की जिम्मेवारी में गड़बड़ी करने की संज्ञान आएगी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कि बच्चे अच्छे क्यों कर गए, हमको तो खुशी होनी चाहिए, आप उसमें ही सवाल या निशान लगा रहे हो। नीट परीक्षा पर सियासी घेराबंदी चालू है, चुनाव के बाद इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है,
उस पर पानी फेर दिया गया है। पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों, और 1 साल में 67 छात्र। ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है? कांग्रेस ने तो सत्ताधारी गठबंधन एनडीए का नाम ही नीट डिजास्टर अलायंस रख दिया है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर विपक्ष की साथी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। उन बच्चों की आंखों में देखा, आंखों में सबूत। एनटीए नाम की संस्था के गंभीर मूल्यांकन की आवश्यकता। 48 घंटे के अंदर आपने क्लीन चिट भी दे दी। आप देखिए, आप कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ये आवश्यक नहीं है कि एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था से जांच हो जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो? क्या बड़ी बात हो जाएगी भाई? क्यों इग्नोर कर रहे हैं इसको? क्यों इसको रिलक्टेंटली आप डील कर रहे हैं? एबीपी न्यूज लगातार नीट परीक्षा को लेकर छात्रों की बात अब तक पहुंचा रहा है। छात्रों की मांग क्या है वो सुनिए। जो पहले एक बात एग्जाम हुआ वो बहुत ही अनफेयर तरीके से हुआ। किसी भी गवर्नमेंटल बॉडी ने इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सर परेशान होना पड़ रहा है क्योंकि सर मेरा मल्टीपल अटेम्प्ट था, 3 अटेम्प्ट हो गए मेरे। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीट का एग्जाम एनटीए ने काफी अव्यवस्थित ढंग से कराया। लेट्स मार्क जिसका मिला है उसका तो एग्जाम करवा दे रहे हैं, बाकी जो पेपर लीक हुआ है जिन बच्चों ने चीट किया है उनका क्या होगा? इस विवाद का समाधान बेहद जरूरी है। मेडिकल परीक्षा देश के मेधावी छात्र देते हैं, मामला देश के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए ईमानदारी से हर फैसला होना चाहिए और खासकर छात्रों के हित में होना चाहिए। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत, फिर आरएसएस के मुखपत्र के अलग अलग लेख, और अब संघ के वरिष्ठ प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार का बयान एक ऐसा सिलसिला था जिसने सियासी तपिश बढ़ा दी। कहा जाने लगा कि आरएसएस बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इंद्रेश कुमार ने अपने बयान पर सफाई देकर हालात संभालने की कोशिश की है। तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आरएसएस ने साफ किया कि मोहन भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अब सभी की निगाहें आरएसएस की समन्वय बैठक पर टिकी है जो 31 अगस्त से शुरू हो सकती है। ২০২৪ लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए, बीजेपी को बड़ा झटका लग गया था। बीजेपी का जीत का ग्राफ 2019 तो छोड़िए, 2014 के आंकड़ों के नीचे जा चुका था। फिर पार्टी के आला नेता खुश थे, इस बार बीजेपी बिग बॉस बनने की स्थिति में नहीं थी, लिहाजा एनडीए को एकजुट रखने की कवायद शुरू हुई और आखिर में फैसला लिया गया, तीसरी बार मोदी सरकार। फिर 9 जून को पीएम मोदी ने भारी भरकम मंत्रिपरिषद के साथ शपथ ले ली। पीएम मोदी समेत सभी मंत्रियों ने काम भी संभाल लिया, लेकिन चुनावी नतीजों पर घमासान जारी रहा। विपक्ष तो हमले करने में आगे था, बीजेपी के अपने भी हमले करने में जुट गए। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये हमले आरएसएस के मुखिया और टॉप लीडरशिप ने शुरू किए। इस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया, उस पर 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना थी जिनके अंदर राम की आस्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। ये है इंद्रेश कुमार, आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक भी हैं। उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। 10 जून यानी कि सरकार बनने के ठीक एक दिन बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में बीजेपी पर आरोपों की जो बौछार की थी उसमें भी अहंकार का जिक्र था। जरा दोनों बयान सुन लेते हैं। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रही थी, वो मर्यादा से चलता है, उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना थी जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। 3 दिन में दूसरी बार संघ की तरफ से, संघ के नेता की तरफ से सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की गई। जो बात नागपुर में मोहन भागवत ने दबी जुबान में कही उसे जयपुर में खुलकर इंद्रेश कुमार ने कह दिया। इंद्रेश कुमार के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया।
इंद्रेश कुमार ने भी महसूस कर लिया कि कुछ ज्यादा ही हो गया, लिहाजा डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इंद्रेश कुमार ने सफाई दी, कहा आरएसएस और बीजेपी के बीच जो मतभेद की बात करते हैं वो नासमझ है। उन्होंने अहंकार शब्द का इस्तेमाल इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए किया था, लेकिन बयान का कुछ और ही मतलब निकाल लिया गया। राहुल गांधी ने ये कहा कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होंगे, मैं लिख कर देता हूँ। इसी प्रकार से केजरीवाल ने कहा इंडी अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। अब आप इसको क्या कहना पसंद करेंगे वो आपको लिबर्टी है। 3 दिन के अंदर आरएसएस के 2 शीर्ष नेताओं की तरफ से दिए गए बयानों और बीजेपी और आरएसएस के बीच बढ़ रही कड़वाहट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों आरएसएस के नेता खुलकर बीजेपी नेताओं की आलोचना कर रहे हैं? क्या आरएसएस बीजेपी के टॉप लीडरशिप को कोई संदेश देना चाहता है? सबसे बड़ा सवाल, चुनाव के ठीक बाद अचानक आरएसएस इतना सक्रिय क्यों दिखने लगा? क्या आरएसएस किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन आरएसएस ने चुनाव के तुरंत बाद अपना अभियान शुरू कर दिया है। मोहन भागवत 12 जून को यूपी के गोरखपुर पहुंचे। वो 5 दिनों तक यानी कि 16 जून तक गोरखपुर में रहेंगे। वो कार्यकर्ता विकास वर्ग में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के स्वयंसेवकों के साथ पद संचालन कार्यक्रम कर रहे हैं। ये वो स्वयंसेवक हैं जिन पर संघ की कोई न कोई जिम्मेदारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कानपुर, गोरक्ष, अवध और काशी प्रांत के स्वयंसेवक इसमें शामिल हैं। इस विकास वर्ग में 280 लोग शामिल हैं। मोहन भागवत के दौरा खुद ब खुद कई मायनों में अहम है। ये दौरा पूर्वांचल में हो रहा है जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली और गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र भी है, और आज योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख से मुलाकात भी कर सकते हैं। ये मुलाकात भी काफी मायने रखती है क्योंकि 10 जून को भागवत ने बीजेपी को कई नसीहतें दी थी। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? मोदी सरकार 3.0 बनने के बाद मोहन भागवत की नसीहतों को लेकर यह कयास लगने लगे कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन सूत्रों की माने तो आरएसएस ने सरकार या पीएम मोदी से नाराजगी से इनकार किया है। संघ के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सरकार या प्रधानमंत्री को लेकर कुछ नहीं कहा गया। मणिपुर को लेकर पहले भी संघ की तरफ से बयान दिए जा चुके हैं। ये भी साफ तौर पर देखा गया कि चुनाव के दौरान आरएसएस और बीजेपी में कुछ कड़वाहट जरूर थी, लिहाजा उसे भी दूर करने की कोशिशें जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ ने समन्वय बैठक बुलाई है। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक होगी बैठक। केरल के पलक्कड़ में मीटिंग होगी। चुनाव के बाद संघ की अहम बैठक होगी। बीजेपी सहित संघ के सभी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। वैचारिक मतभेद होना लाजमी है, इसी से आगे का रास्ता भी खुलता है, लेकिन खुले मंच से इसके जिक्र से बीजेपी के लिए थोड़ा असहज स्थिति हो गई है। बीजेपी के लिए अपने घर और साथियों दोनों के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस बार विपक्ष काफी मजबूत है। लोकसभा चुनाव में झटका लग चुका है, लिहाजा आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये मतभेद सुलझा लेना बीजेपी के लिए अच्छा रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी की कमी से एक ओर जहां त्राहिमाम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी घमासान है। कांग्रेस ने जल बोर्ड में 17,575 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, तो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन तोड़ रही है। दिल्ली में जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया करवाने की बजाय सभी दल लगातार वार पलटवार में लगे हुए हैं और जनता प्यासी तड़पने को मजबूर है। नीचे से पानी मुझे ढोना पड़ता है, सरिये में गैलन टांगता हूँ। 3 दिन में 4 दिन में आता है और पीला भी पड़ जाता है पानी, तो पीना पड़ता है। दिल्ली प्यासी है, लेकिन पानी के नाम पर सियासत की आग लगी हुई है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि दिल्ली के लिए पर्याप्त पानी का इंतजाम करने में नाकाम रही आम आदमी पार्टी अभी भी बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है, और हद तो तब हो गई जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पानी की पाइपलाइन तोड़ने, इससे छेड़छाड़ करने और वाटर लीकेज के फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप लगा डाले। ये भाजपा की निम्न स्तर की राजनीति का एक और उदाहरण है कि इतनी निम्न स्तर की राजनीति भाजपा को छोड़नी चाहिए। बीते इलेक्शन से सीखना चाहिए कि आज मोदी जी को 2 बैसाखियों की जरूरत है और वो इसी नकारात्मक राजनीति का परिणाम है।
आम आदमी पार्टी लगभग 10 साल सत्ता में रही, दिल्ली की जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने के बजाय उलझाने और घोटालेबाजी में बिजी रही। केजरीवाल साहब पानी पर कुछ करने की बजाय शराब घोटाले और शीश महल बनाने में व्यस्त रहे। आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि दिल्ली में पानी की लीकेज के आरोप झूठे हैं। ये सियासत तब है जब दिल्ली में हर दिन तकरीबन 50 मिलियन गैलन पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी दूर करने के लिए इमरजेंसी उपाय करने की मांग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, बावजूद इसके अब तक समाधान की मुकम्मल राह तैयार नहीं हुई है, हो रही है तो सिर्फ सियासत। स्वाभाविक बात है, 40 MGD का पानी का प्रोडक्शन गिरेगा तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की कमी होगी ही। हमें पता है कि LG साहब और उनकी भारतीय जनता पार्टी हमसे नफरत करती है, लेकिन हमसे नफरत करते करते आप दिल्ली वालों से तो मत नफरत करने लगिए। दिल्ली सरकार ने डेटा जारी किया है कि हर दिन दिल्ली में 1005 MGD पानी का उत्पादन होता है, लेकिन लगातार घट रहा है। 13 जून को सिर्फ 949 MGD ही प्रोडक्शन हुआ, यानी कि जितना कम उत्पादन हुआ उतनी पानी की कमी हुई। इससे पहले हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से जरूरत के पानी की कमी पूरे होने की उम्मीद भी धुंधली हो चुकी है, क्योंकि राज्य के पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार की नाकामी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है, दिल्ली जल बोर्ड में बड़ा स्कैम हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड में 17,575 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, पूरा पैसा टैंकर माफिया की जेब में गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लेटर लिखकर स्कैम की जांच कराने की मांग की गई। घोटाले के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा क्यों नहीं हो रही? आज 58% पानी बर्बाद हो रहा है, लोगों को गंदे पानी का पानी सप्लाई हो रहा है, गरीब लोगों को हर रोज 50 से 100 रुपए मजबूरी में खर्च करना पड़ रहा है, लोग टैंकर माफिया से पानी की बोतल खरीदने को मजबूर। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर आज 280 ब्लॉक में कांग्रेस मटका फोड़कर प्रदर्शन करेगी। जिस तरीके का रवैया इन दोनों सरकार का रहा है, उससे स्पष्ट मालूम होता है कि ये जो है नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। अगर ये 17,575 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी लॉस हुआ है तो वो किसकी जेब में गया है? निश्चित ही किसी की जेब में गया है। बहुत बड़ा अपने आप में दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ये बहुत बड़ा जो है टैंकर माफियाओं के साथ मिलकर एक स्कैम पूरा है। सो मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी पानी दीजिए और उसके बाद बिल्कुल अगर भ्रष्टाचार है, कोई इस तरीके से नुकसान जो है लोगों को हो रहा है, रेवेन्यू का हो रहा है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए और जो इन्वॉल्व है उन्हें सजा होनी चाहिए। कांग्रेस के आज होने वाला मटका फोड़ प्रदर्शन पर बीजेपी ने तंज किया है। ये कांग्रेसी दिल्ली की जनता के बीच किस मुंह को लेके जाएंगे? अभी 8 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी की सरकार की विकास की तारीफ करते थे, ईमानदारी की तारीफ करते थे, आज उन्हें उनमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। दिल्ली में खर्च होने वाले पानी का 90% जरूरत दूसरे राज्यों से पानी की आपूर्ति पर निर्भर है, इसलिए संकट चुनौती है। प्यासी दिल्ली को सियासत से राहत की उम्मीद न के बराबर है, उम्मीद है तो मानसून से जो 30 जून तक राजधानी में दस्तक दे सकता है।